किसानों के लिए अच्छी खबर, हाईवे के लिए जमीन देने वाले भी टोल टैक्स में साझेदार। पीडब्ल्यूडी चिन्हित करेगी राजमार्ग। राज्य राजमार्गों स्टेट हाईवे को चौड़ा करने के लिए अभिनव प्रयोग होने जा रहा है। इसमें राजमार्गों के लिए जमीन देने वाले किसानों की टोल टैक्स में भी साझेदारी होगी। इनके किनारे किसानों की जमीन पर जो भी व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे उनका भी एक हिस्सा पुनर्वास के रूप में उन्हें लौटाया जाएगा। केंद्र की विशेष योजना के तहत ये काम कराने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी के बीच सहमति बन चुकी है। यह प्रयोग आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निर्माण के दौरान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में उन स्टेट हाईवे को शामिल किया जाएगा जिनका पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट 20,000 प्रतिदिन से अधिक है। इस लिहाज से यहां के करीब 21 स्टेट हाईवे के चयन की संभावना है। इन हाईवे के चौड़ीकरण व विकास के लिए कुल 60 मीटर चौड़ाई में जमीन ली जाएगी। अभी यहाँ 30 से 45 मीटर चौड़ाई में ही जमीन उपलब्ध है। केंद्र सरकार से इनके चयन को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें सुपर स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने इन हाईवे को चिन्हित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। अभी तक लागू व्यवस्था में हाईवे के चौड़ीकरण के लिए किसानों से जो जमीन ली जाती है उसके मुआवजे के रूप में राज्य सरकार को अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह परियोजना लागत की 60% तक होती है। वहीं किसानों को जमीन के एवज में जो राशि मिलती है उसके खर्च होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। टोल टैक्स और व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्रों में उनकी भागीदारी से यह समस्या हल हो जाएगी। न्यूनतम 20 साल तक टोल टैक्स में उनकी साझेदारी बनी रहेगी। ऐसे निकाला जाएगा लागत का बड़ा हिस्सा। हाईवे के निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की लागत का एक बड़ा हिस्सा भी उस जमीन में व्यावसायिक व आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाकर निकाला जाएगा। इस तरह इन परियोजना में 3 भागीदार होंगे, सरकार, किसान और विकासकर्ता। टेंडर से लेकर सभी नियम शर्तें व अनुबंध केंद्रीय मंत्रालय की देखरेख में रहेंगे। संदीप कुमार, पीपीपी मोड में हाईवे के विकास के बाद आने वाले रेवेन्यू, टोल टैक्स आदि को सभी पक्षों में किस तरह से शेयर किया जाए, इसके लिए IIM लखनऊ की मदद ली जा रही है। पीडब्ल्यूडी के विभाग अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि जल्द ही इस संबंध में पूरी कार्य योजना हमारे सामने होगी जिसका प्रस्तुतीकरण उच्च स्तर पर दिया जाएगा।